सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसको खो देती हैं। हमारी जिंदगी ऊपर वाले का दिया हुआ एक उपहार जैसी ही है, बस आपको भरोसा करना है। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज की कीमत नहीं जानती। आज का पंचांग 6 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शाम 4:35 तक रहेगी। इसके उपरांत शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र रात्रि 11:20 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:14 से 1:42 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी कन्या राशि पर ही रहेंगे। मिथुन राशि 6 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार, आज साहस दिखाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज आपका भाग्य आपके साथ है। आज आप जो भी करेंगे सब कुछ अच्छे से ही होगा। अगर कहीं निवेश करना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा समय है। ऊंचा प्यार मिलने की उम्मीद बन रही है। हालांकि अपने स्वास्थ्य के बारे में सतर्क रहें, खांसी और ठंड से परेशान हो सकते हैं। राजनीतिक संपर्क आपको कुछ अच्छे मौके देंगे। महिलाओं के लिए दिन विशेष रूप से शुभ है। उनकी प्रतिभा और क्षमता आपका अपना मुकाम हासिल करने में उनकी मदद करेंगी। अपने विचारों का दायरा बढ़ाने की कोशिश करें। जिन लोगों के साथ मतभेद है उनके साथ संबंध ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए। छोटी मोटी रिस्क लेने से आप डरेंगे नहीं, लेकिन सोच समझकर आगे बढ़ें। काम की शुरुआत में तकलीफ हो सकती है लेकिन बाद में बड़ा लाभ मिल सकता है। लव रिलेशनशिप से संबंधित बाधाएं कम होने लगेगी। आंखों से संबंधित तकलीफ को नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपचार करें। सावधानियां, कोई बीती हुई नकारात्मक बात आपका दिन खराब कर सकती है। वर्तमान गतिविधियों पर भी अपनी ऊर्जा लगाएं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। लापरवाही ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का उचित सम्मान करेंगे। आपके हर काम में जीवन साथी और परिवारजनों का सहयोग आपको ऊर्जावान बनाकर रखेगा। आज अपने दोस्ती और नए विस्तार के माध्यम बनाएंगे। आप एक खुशहाल भरी मुद्रा में रहेंगे और आपका रहस्य भरा अंदाज दूसरों को प्रभावित भी करेगा। जो आप आज दोस्त बनाएंगे वो आगामी वर्षों में बहुत बहुमूल्यवान साबित होगा, परंतु हो सकता है अभी यह प्रतीत ना हो। आप एक साहस की मुद्रा में हैं और अपने मित्रों और परिवार की बहुत मदद करने के लिए भी तैयार हैं। बात करते हैं करियर की। आप कुछ मिलनसार नए लोगों या विदेशी प्रतिनिधियों से आज के दिन मिल सकते हैं। स्वतंत्र रूप से उन लोगों के साथ संवाद करें और जितनी उपयोगी जानकारी इकट्ठा कर सके करें, क्योंकि यह आपकी परियोजना के पूरा होने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। किसी भी विचलित करने वाले परिदृश्य से परेशान ना हो जो कि आपके वरिष्ठ सहकर्मी ने आपके लिए बनाया हो। बिजनेस में लोन या टैक्स संबंधित फाइलों में पूरी पारदर्शिता रखें। कर्मचारियों के साथ आपके संबंध आत्मविश्वास बढ़ाएंगे तथा कार्य क्षमता में भी वृद्धि आएगी। नौकरी में पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं। बात करते हैं सेहत की। पैरों में दर्द या सूजन जैसी समस्या रह सकती है। अपनी जांच अवश्य करवाएं तथा इलाज लें। आपको अब धीरे धीरे यह बात भी समझ आ रही है कि आपको अपने खाने के पैटर्न और अपनी जीवन शैली में कुछ बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन आप इस बारे में संदेह के कारण कोई पक्का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आज आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे और आप एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक सभी कदम उठा पाएंगे। आपको इस बारे में अपने आसपास रहते किसी आदमी से प्रेरणा भी मिलेगी। आज का उपाय,
आज आप गणेश भगवान जी को नारियल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।